हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है पोकेमोनकाड्डा। और दोस्तों आज हम देखने वाले पोकेमोन सन एंड मून का एपिसोड 4। और दोस्तों हमारी सीरीज बहुत अच्छी चल रही है और दोस्तों हमारे चैनल पे लगभग 95-96 सब हो चुके हैं, तो 100 का आंकड़ा जल्दी पार हो जाएगा हमारा। और इससे ही हम हमारे चैनल पे सबसे पहला Q&A वीडियो रखेंगे जिसमें हम मैं अपने सारे पर्सनल जानकारी के अलावा आपको सब कुछ बताऊँगा। चलो हम देखते हैं पोकेमोन सन एंड मून का एपिसोड 4, व्हाट लेट्स प्ले। और जैसे जेम्स वो पोकेमोन वो मी को देख रही, बहुत देखें बहुत पावरफुल है, तो सोचते जैसे ये जरा मैं ये मी को पकड़ने की ट्राई करूँ, तो ये पोकेमोन फेंकने की ट्राई करती है पर बाहर निकल जाते हैं, तो फिर बाहर निकल जाते हैं। हाँ, वो अब्बा फैट मियाँ समझते हैं तुम्हें फालतू ट्राई बंद करो, मी तुम हाथ में नहीं आने वाला है, तो सोचिए मैं इसको पकड़ के रहूँगी, ऐसा बोलती है। उसको लगातार बोल डालती रहती है जैसी हाँ, फिर बोलते थे तुम ऐसे आलतू फालतू है। फिर जेम्स एक लग्जरी बॉल को पॉलिश कर रहा था, तो फिर जैसे भी उसकी नजर जाती है लग्जरी बॉल पे, हर लग्जरी बॉल उठा के डाल देती है मिमी के ऊपर। बोलती है ये पके बॉल से 100% मैं मिमी को पकड़ लूँगी, ये सोचती है। पर मुझे लगता है लग्जरी बॉल अच्छा जाता है, इसके आराम से पकड़ा जाएगा ये पोकेमोन। फिर फेंकती है वो लग्जरी बॉल, फिर ये ट्रे होता है लग्जरी पोकेमोन पकड़ने का, और तीन बार होता है तीन। फिर आ जाता है पोकेमोन, तो ये ऐसे पकड़ लेते हैं वो मिमिक्यू को। हाँ, मिमिक्यू पकड़ के तो सब बहुत खुश होते हैं। फिर वहाँ से वहाँ पर बीवर आ जाते हैं, फिर आते हैं आइलैंड का सीन वो तो फिर आते हैं वो थंबनेल वाला सीन, देखते आज का थंबनेल क्या है। आज का थंबनेल है टाइम फील प्लीज। चलो देखते हैं आज के एपिसोड क्या होता है। वो सारे वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो सब अपने अपने खाने ले जाते हैं, हर सब उनका मेन अड्डा लग रहा है मुझे। पर वहाँ पे कुछ वहाँ पे एक बेचारा पोकेमोन है जिनका झुंड का नहीं पर पाल कर है, उसका नाम है रावलेट। एक स्टार्टर पोकेमोन से बहुत नहीं, वो एक फालतू चीज़ उठा के लेके आया था हाँ, तो बहुत गुस्सा रहा था वो, समझा तुम ऐसे क्यों करते हो, तो है ना ये सो गया था बेचारा, ये रावलेट सो गया था तो उसमें गुस्सा आ गया था बहुत। अभी आता है थोड़ा अगला दिन, देखते हैं अगले दिन में क्या होता है। ये सब बातें कर रहे थोड़े, फिर वहाँ पे थोड़ी देर बाद रावलेट आया था क्या दोस्तों, ये सब पोकेमोन ने यहाँ पे बैठे खड़े खड़े सो गया था, तो फिर वहाँ पे थोड़ी बातें कर रहे थे तो उनको अचानक वो दिख जाता है वो ये रावलेट है रावलेट। और पिकाजी सब दोस्तों पिकाजी इतना अजीब दिख रहा है। फिर रावलेट नीचे पड़ता है तो ऐसे भी पकड़ लेता है। फिर यहाँ पे पोकेमोन सब ने बहुत पेट भर के खाना खा लिया है, ये बहुत सेवा कर रहे हैं बीवर गंदों की। चलो चलते हैं देखते हैं क्या होता है इस एपिसोड में, अभी क्या चल रहा है। फिर वो सारे पोकेमोन के झुंडे वो सब बाकी वो बीवर के फल फल उठा के ले जा रहे हैं, तो ये सब सोचते हैं ये इन्हें बीवर हमारी तरह सेवा कर रहे हैं तो उसको कोई मदद करनी है, फल वापस तो लाने हो ना, ये सोचते हैं। वहाँ पर रावलेट जग जाता है और वहाँ पर जगते ही वहाँ पर खाना पड़ता तो खाने लगता है, तो फिर ये सोचता है इसे मैं अपनी टीम में ले लूँ। तो रावलेट ये सब बातें देखते कैसा है, फिर ऐसा सोचता है उसे मैं अपनी टीम में ले लेता हूँ। फिर रावलेट क्या करता है, और जो वहाँ पर जो तरबूज था ना उसे उठा के भाग जाता है, ऐसे भी उसके पीछे आता है ये तब इतना तरबूज उठा रहा। फिर ने क्या उसकी बहुत तारीफ होती है, तुमने ये तरबूज उठा के लाया, तरबूज उठा के लाया बहुत तारीफ होती है, अरे ऐसे उसके पीछे आते हैं, तो ये बहुत ऐसे बहुत खुश हो रहा है, तारीफ हो रही है उसकी इसके लिए। फिर रावलेट उसके पीछे आता है कि वो अटैक कर दिए लोगों ने गंदों ने मिमिक्यू के साथ। फिर मिमिक्यू शैडो बॉल अटैक करता है, शैडो बॉल वो पिकाचू भी इलेक्ट्रो बॉल अटैक करता है डिफेंस करते थे, तो ये बहुत दुखा हो जाता है। हर टीम लोग जितने पोकेमोन थे यहाँ पे वो सब कैप्चर करते हैं डाल देते हैं और से काट देते हैं, तो बहुत चकाचौंध हो जाते हैं उससे। फिर सोचते हम पिकाचू को चुरा ले सारे फल को तो वापस ले लेते हैं लोग, तो फिर वो थोड़ा जख्मी होता पिकाचू तो उससे बचाने के हंसते वो पता है लिफ्ट ब्लड अटैक
हाँ तो उसको उठा बच्चा लेते हैं, उसको हर वहाँ से उठा के ले जाता है, जैसे देख लो आप उठा के ले जा रहा है। और फिर पिकाचू एक अटैक करता है उस पर, फिर वो सब बहुत खुश होते हैं, हमने इसको हरा दिया, उसे हरा दिया, बहुत खुश होते हैं। और सब 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 शबाश देते हैं, हम मेवकी भी जख्मी हाथ में रहता है। फिर यहाँ पे सब जगह मिलते बोले तुम बोल तुमने तूने वो लोगों को भगा दिया, भगा दिया। तो फिर थोड़ी देर बाद वो सब लोग घर पापा जाते हैं, तो उसकी माँ के कुछ पापा उसके इनके लोगों के ग्रुप का, तो उसे बोलते हैं तुम जा अपने जीले ज़िंदगी, जा इसके पर चले जा मज़े कर। तो फिर वो चल जाता है इसके पास, और आया था इसकी बैग में। तो ऐसे ही इसने पकड़ लिया है अपने अलग जगह सबसे पहला पोकेमॉन जो एक स्टार्टर है। हर आज का एपिसोड अच्छा था, इसको नया पोकेमॉन मिल गया। हर ऐसे ही आज का एपिसोड पूरा होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। और दोस्तों हर पोकेमॉन जनरेशन का एपिसोड भी जल्दी आने वाले हैं, गेमिंग एपिसोड भी। तो दोस्तों हमारा चैनल आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तुझे पता है अगला एपिसोड में क्या होने वाला है? मुझे तो नहीं पता, चलो देखते हैं आगे क्या होता है नए एपिसोड में।